प्यान जी वेट कर रहा है। धक 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 हो रही है, मम्मा को प्यास लगी होगी। ये सारा वेटिंग एरिया होता है, यू हैव टू सिट हियर एंड वेट फॉर योर गेस्ट। मम्मा इमोशनल है बहुत। मम्मा इतने पतले। चलो ध्यान से क्या और अच्छे से मैं करता हूँ। आप तो इतनी स्मूथली सब कुछ करते हुए एक हाँ बहुत पतले हो गए सच्ची, बहुत ही पतले हो गए। केशु प्यार नहीं करती थी वाटी सासू माँ। Oh my God, mission accomplished. Welcome to Canada. Guys, मैं मम्मा को कह रहा हूँ कि मम्मा सो दिस इज टेस्ला। मम्मा कह रहे रेसिंग कार जैसी दिखती है। मैं को ये देख रहा कि मम्मा को टेस्ला खोल ले आएगी भी नहीं। बैठो तो मम्मा बैठो। चलो 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 चलो। ओके बोलो क्या चीज पूरी तरह से आएगा पूरी भी है यशु इज मेकिंग फुल ऑफ मी मेरे फुल एक्साइटेड। ओह फिगर आउट कर ही लिया मम्मा ने। पार्टी पे एक्शन देखा। सॉरी दीदी टू लेट टू लेट दीदी टू लेट। गाइस बैक का कोई रिस्क नहीं लेने का। सामान आ गया है गाड़ी में। एक सूटकेस ऐसे सीट फ्लैट करके रख दिया। चले हाँ हल्का का कुछ भी करता ना बहुत एकदम फोबिया ही बन गया मेंटली। चल भाई यांचु मम्मा को दिखा रहा है कार हमारी। ये बंदा है ना यहाँ पे, ये देखो इधर देखो वो तभी खुद चलती है। मैं तो यही बड़ा इम्प्रेस हूँ कि आपने एक मिनट में गाड़ी का दरवाजा खोल लिया। फटाफट से मम्मा के पूरे प्लान है टेस्ला चलाने के। अच्छा लग रहा है आपको? पता क्या हमें याद ही नहीं रहा कि आपको बताना है कि वहाँ पे भी इमिग्रेशन होती है और वहाँ पे भी सिक्योरिटी चेक होएगा। नहीं पर दे वर सो रूड। ये तो लंदन में बहुत रूड एक्सपीरियंस हुआ भाई। यहाँ तो उन्होंने बैग कुछ खिलाया नहीं। वैंकूवर ब्यूटीफुल वैंकूवर चल रही है। मम्मा की धर्म की है। इंडिया वाली चाय मत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है। मैं मसाला है मेरे पास। मैं कहने रहा था कि तो सासू माँ ज्यादा डिमांडिंग नहीं हो रही। क्यों अदरक है? अदरक मम्मा यार अब आप आए आपके साथ ग्रोसरी करूंगी। आज ही खत्म किया। आज ऐसा क्या बने घर पे? ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा बने डेली आज क्या वो कहती बंदर कहीं का। मैं पांच बार और बोल कहती बंदर 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 बंदर। मैं छह महीने नहीं बोल सकती तू। यार कोई पूछ रहा आप एक्साइटेड हो? मैं एक्साइटेड नहीं मैं खुश हूँ। मतलब मैं वो कंटेंट लेवल पे चलता की मेरी मम्मा आ रहे हैं मेरे पास। चाय नहीं पी मैंने कहा मम्मा के साथ पी। वो देखे जालिया पूरी हॉटनेस। अरे तू पीछे नहीं देखा मम्मा को वो बाबू दो कट डिजाइन बट डिजाइनर स्टाइल। ओह माय गॉड मम्मा नहीं पहनता डिजाइनर स्टाइल के अलावा कपड़े। रोए क्यों आप ये बताओ पहले। रोया पूरा कहाँ पर आता है यहाँ से आते थे। मैंने पूरा ऐसे से करके क्या मैं तो बिल्कुल नॉर्मल था। फिर आपकी आवाज सुन ली और मेरे भी एकदम से गला गीला हो गया। इमिग्रेशन का बताओ कि कैसा रहा? हाँ क्या बोलते हो? ये तो मुझे बड़ा ही स्मूथ लगा यहाँ। तो मैंने आपको कहा था बहुत बहुत प्यारे गाइस। मेरी मम्मा ने और हमारी ना कोई इस बारे में बात नहीं। मेरी मम्मा ने आते ही बोला
कहते अब मुझे पता लगा वो तो तू कहता था ना रेसिज्म वगैरह क्या होता है, कहते लंदन में मुझे फील हुआ। उमर बोला हाँ बोला कहते वहाँ पे एयर होस्टेस मेरी बात नहीं सुन रही, स्टेयरिंग में ऐसे ऐसे बैठा हूँ मैं। पकड़ खुद रेस खींच रही है सिक्योरिटी चेक पक्का होगी क्योंकि हमें जब चेंज करना है दूसरी फ्लाइट में तो सिक्योरिटी चेक हो सकती है, बट वो तो प्रॉपरली। तो आपका सामान क्या क्या निकाला? सामान फियांचो उसने ए टू जेड मेरा निकाल दिया। नहीं ले, ले क्या लिया? वापस जो लिया एक तो वो जो कीरत का वो पाउडर पाउडर था वो तो इतना कीरत में चक्कर आ गया उसको मैं पता नहीं क्या व्हाट इज दिस। एक वो शर्मा जी का मैं वो लेके आई थी उसको दो चीजों से थोड़ा हो गया ना, शर्मा जी का जो आलम वो जो गैस के लिए देते हैं वाइट पाउडर जैसे नमक जैसा बिल्कुल होता है वैसे पाउच पड़ा हुआ था पाउच में और वो उसको कुछ वो हो गया। उसके बाद उसने जो मेरी ऐसी तैसी फेर दी ना वो तो उसके ऊपर पाउडर लेके जाओ वाइट पाउडर लेके घूम रहे एयरपोर्ट पे लिक्विड कोई भी चीज हो ना अगर मैं पहले मेंशन कर देती मेरा लिक्विड दिमाग में नहीं आया कि कॉस्मेटिक वो लिक्विड में आ गया उससे बस मेरे को घबराहट होगी कि ट्रिगर शुरू हो गया ना फिर आप आ गए मोमेंटम में। हाँ बस वो फिर उसने कोक भाई वो तो उनके जाने को तो पानी तक की बोतल भी छोड़ देते हैं बट अगर आप हाथ में आ गए बस फिर वो जैसे इरिटेट हो गया मेरे से। और बेचारे दो ये मक्खन सिंह और बुजुर्ग आंटी अंकल थे वो खड़े रहे मैंने कहा आपकी वेट कर रहे थे कहते नहीं नहीं उनको भी लगाना क्योंकि पंगा ना पड़ जाए। बस मम्मा मैं आपको एक बात बताऊँ ये जैसे आपने बोला ना कि वो दो लोग खड़े रहे आप बेशक बोल भी रहे थे कि अब जाओ फिर भी थोड़ा सा ना मेंटली एक सपोर्ट रहता ना। हाँ बहुत ये चीज सरी में इसी वजह से स्ट्रॉन्ग है कोई पंगा भी नहीं ले सकता। लोगों की ये मेंटालिटी होती है कि यार हम सरी में नहीं रहेंगे कि बहुत ही ना अपने अपने जैसे लोग दिख रहे हो बट मुझे लगता है स्टार्टिंग में सरी से बेटर कोई जगह ही नहीं है क्योंकि मेरे जैसे बंदे को होम सिकनेस नहीं होती। मेरे को तो मैं तो चंडीगढ़ में घूम रहा हूँ इतना आपके बेटे का ख्याल रखते है कोई हद नहीं सच्ची बोल रहा हूँ। नहीं नहीं ये तो फैन छोड़ हमेशा मैं पेट में दर्द हो जाएगा कई बार इतनी तारीफ करता है मैं आपके जैसे किसी के जैसे जैसे आप लोग मुझे रखते हो ऐसे करके वैसे ही मुझे सारा पैंपर करके रखती है। एक घर देख रहे हैं जिसमें माली पानी दे रहा अभी यही ओनर है कैनेडा में कोई माली नहीं है मम्मा ये लौता है जायदाद का वारिस ही है जो पानी दे रहा है। बिल्कुल मम्मा को ना पैटियो दिखाया है कैसा लगा? बहुत अच्छा मेरे फैन अभी भी देख सारे गूगल वो सच्ची मुझे इतना अच्छा लग रहा है सामान निकाल लेना मम्मा दोस्तों मम्मा की आरती उतार रहे हैं हम। वेलकम टू योर होम वेलकम मम्मा ये आपका बच्चा हाँ मुट्ठी बंद रखना पापा छोटू से भाग रहे जबरदस्ती मत करो धीरे धीरे कर लेगा चिका पापा की स्मेल आ रही है चिका उसका करना दे फैंजू तू मेरी प्रोडक्शन है मैं मम्मा की दादी उठ जाओ इधर आ जाओ अभी जस्ट नींद से उठाई है बच्चों हो दादी दादी हाँ जी हाँ जी मम्मा कैन यू बिलीव आप कनाडा में आ गए हो आप अपने घर आ गए हो हाउ स्मूथ द एंटायर प्रोसेस वाज मम्मा अरे नहीं कागज पत्तर सब कुछ नो चलो आप खड़े हो ध्यान से जोर लगे कहीं अभी इतने में बैंड बज जाते हैं ओए होए 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 ओए होए 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 ओ हो हॉट मम्मा ये आपकी बहू ने जबरदस्ती लगाए आपके वेलकम में बड़ी फीलिंग आ रही है कि वेलकम फीलिंग है मम्मा लव यू आई एम सो हैप्पी लग रहा है कि अपने स्वर्ग वाले घर में आ गए सच में छोड़ने का मन नहीं कर रहा अभी ऐसे हो रहा है कि मतलब कि कोई बड़ा जैसे होता है ना प्रेजेंस की जरूरत होती है ऐसे कि घर पर कोई हो हमेशा ये देखे लड़का जा रहे मम्मी अभी मैं कीरत के चीख दे दो हाँ वैसे हाँ नहीं नहीं दूर रहो नहीं नहीं गुस्से में आता है दादी बड़ी मम्मा आई लाइक बड़ी ओह किसी कर गया
उसके अंदर पूरा। मम्मा ने तो आज किसी डॉगी से नहीं करवाया। पूरे लिप से मुझे लगा बुड़का ना मार दे। किशु जब तू व्लॉग देखेगी पहली बारी पता नहीं कितने साल बाद। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे मेरे को भी कर रहा है। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। यस यस नहीं नहीं ऐसे जीना आराम करेगा अभी। सो दिस इज द ड्राइंग रूम। दिस इज द ड्राइंग रूम बट दैट्स योर रूम। ओह आपको पता नहीं चला रिलाइज नहीं होता। तेरी कसम। नहीं नहीं मुझे लगा कि मेरी कसम नहीं पता लगा। कसम अभी देख देख सच्ची बोलूं। मुझे लगा कि ये तेरा कोई सिटिंग है ऐसे करके पीछे। दिस इज योर रूम को चेक इट आउट। सो थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग। दिस मींस अ लॉट। दिस मींस अ लॉट सच में। मुझे सच्ची में ऐसे लगा था मैं करता हूं शीशे के बिना कैसे मैं वो करूंगी। मैं क्या अपने आप को फुल ड्रेस अप देख लूं पहले ऊपर नीचे वहां कैसे देखूंगी ऐसे भूली। आपकी बहू ने फुल टाइप भी स्कॉट आ सकते हो। नीचे तक फुल मिरर है। फुल मिरर है ये। ठीक है ये देखो ये दोनों तैयार होने वाली परियां। दिस इज योर बेड। ब्यूटीफुल। ये आपने देखा ही नहीं इससे पहले व्लॉग में कभी। नहीं 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 क्योंकि ये बनाया ही सब कुछ कर रहे हैं। आपके लिए बनाया। अच्छा हाँ मेरे दिमाग में नहीं आया मैंने बड़ा ऐसे। मम्मा चेक आउट द सेंटर फोटो। जस्ट लाइक आपके रूम वाली। मम्मा दिस इज ऑल योर गिफ्ट्स। ओहो वन बाय वन खोलेंगे। ऐसे डरपोक भी है। डे वन पे चीका मम्मी को चाट रहा है। चाट रहा पप्पी भी चलो करो पप्पी कर दो। चीका तुम्हें बेटर। ओ भाई चीका खून का तूने फर्ज निभाया बेटा। ये आप कैसे बैठ देख रहे हो। दिस इज हाफ। जब पिताजी आएंगे हमने जो प्लान किया था कि हमें तो था पिताजी भी आएंगे। अभी कीरा फुल करके दिखाएगा। बेड्स के मुंह वो सारे ड्रॉर्स हैं। ये नीचे ड्रॉर है खोलो। ये कीरा था आपकी सेटिंग के लिए। ये ऐसे किया था कि आप ऑर्गेनाइज करके आप रख सकते हो अपनी छोटी छोटी चीजें। सिर्फ किंग साइज बेड। प्रॉपर किंग साइज बेड है। स्लाइडर ये सारा स्लाइडर आएगा तो आपका भी बैक ऑर्डर पे। मम्मा वेट ही कर रहे हैं अभी आपके पास। दो चार दिन पांच दिन सो बैठो लेटो। गिव मी जेन्युइन फीडबैक अबाउट द मैट्रेस। वी हैव 90 डेज टू गेट इट रिप्लेस। एडजस्ट नहीं करना। आप एक बार मेरे वाले बेड पे भी सो के देखना फिर वही वाला ले आएंगे। कॉम्बो पे था मैंने ऑर्डर कर दिया। गॉड ओ माय गॉड तो कुछ भी नहीं है। कैसा लग रहा है। मजा आ रहा है तो बहुत डिफरेंट फीलिंग है। गाइस चिकू भौंक रहा है इग्नोर करना। थैंक यू लव यू। मैं सब जल्दी से मैं आऊं तो सेकंड गिफ्ट वो लेके आऊं। नहीं मम्मा बहुत ही सुंदर है। पक्का क्या मुझे दिखी ही नहीं दिखा। बहुत सुंदर इतनी क्लासी है। ये मेरी न्यू चेन। ये तो एवरीडे वेयर वाली है। ये किशु दीदी ने सिलेक्ट कराई है कि मुझे पता कीरत को ऐसी चीजें पसंद है। ये तो एवरीडे वाली वो है। लगे ना बट क्या जरूरत थी। नहीं नहीं ला ना नहीं बुत खरीदा। नो बस मेरा बच्चा बस रिलैक्स 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 कूल डाउन। गुड गुड रिलैक्स। माय बेबी बोलो। माय बेबी बोलो। गुड बॉय माय बेबी। My baby. आज तक ना किसी ने ऐसे ग्रिप को कौन आई नो फट गया तो बेटा दादी है। क्या था पापा कहाँ थे। मम्मा ने तो जैसे बर्ड को पापा पकड़ था। जरूरी था एक बार पूछ ही लाएगा बस सब ठीक हो जाएगा। मम्मा ने तो पकड़ लिया कि कहाँ। अरे उसके बाद इसको भी ये पता चल गया कि मैं भौंक नहीं सकता। चुप हो गया ये। चेक दिस आउट। वाओ लव इट। बहुत सुंदर लग रही है। आपकी कैसे मम्मा कैसे। मुझे तेरा से पता नहीं चलता। नहीं बहुत सुंदर लग रही है। आप एक ये बात बताओ कि आपको ओवरऑल इंडिया से कनाडा आने की जो जर्नी है क्योंकि आपके 9 घंटे की वो थी फिर 2 घंटे का लेओवर और 9 घंटे की एक और जर्नी थी तो टोटल 18 घंटे तो आपने ट्रैवल किया है। कितना डिफिकल्ट लगा। नहीं ऐसा डिफिकल्ट नहीं। स्मूथ ही था ना। मैं आपको ये कहता था कि बस सिर्फ टिकट करवानी है डायरेक्ट फ्लाइट से 14 एक बार बैठ रहे हैं और फिर उतर के आ जाने। सोचो ये भी बिल्कुल कोई इतना वो नहीं लगा।
प्रॉब्लम ज्यादा थी जब लंबे ले ओवर हो जाते, जैसे हम करते थे वो लगा चिकू काम टू दादी जाम, जाम कर ले तो। नहीं नहीं ये तो मम्मा को के पास जाने का बोल रहा है। आजा ऊपर आना, फिर उठाऊं। नहीं ऐसे फिर पापा उठाएंगे इसके। आजा चल, आजा चल। ओले मिले बच्चा, खाना दे दो। कैंसू मम्मा को खाना दिया। मुझे पता, मैं आज भी ब्लॉग में बोल रहा था कि आपके लिए कितना मुश्किल था जब मैं कनाडा आया, और मैं कहता था मम्मा हम साथ रह लेंगे, मम्मा वो टेंशन ना लो, मम्मा हो जाएगा। जाऊंगी ना वापस ऑटोमेटिकली शिवरिंग। तो मम्मा मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा इंटेंशन ही नहीं वापस आपको भेजने का। मेरी मम्मा से कहे कितनी बार लड़ाई होती रही। मम्मा कहते मैं 2 महीने के लिए आऊंगी, मैं 3 महीने के लिए आऊंगी, मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी। मैं ये क्या मतलब है? सिल्वर ग्लास, सिल्वर प्ले बटर, सिर्फ पानी पीने, पैग भी पीने, पैग पैग सब कुछ। ठीक है, आज के मम्मा पैग इसी से पिया जाएगा। ठीक, अर्चना शर्मा जी अपने बुके को लगा रहे हैं दोस्तों। सास को इम्प्रेस करने के चक्कर में बहू लगी हुई है। ओए होए होए होए, ओए होए होए होए, ये बहू के एक्सप्रेशन देखो। ओह ओह, बहू जी, बहू जी, बस 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 किरण, ये मॉडर्न बहू कभी भी कह सकती है सासु माँ चावल रह गए हैं। यार है चावल। दिस इज रविश, दिस इज प्याज। ओ दिस इज प्याज, चाट मसाला फिनिश हो गया। हां ओहो, चाट मसाला तेरी मम्मी की बड़ी फेवरेट आइटम है। आपके उसकी मम्मी की बेटे की भी फेवरेट आइटम चाट मसाले की जगह। हां ले ले ले, कर सकते हैं। हां हां, सब्सक्राइबर ने मसाला दिया था, बड़ा जबरदस्त है। आपको एवोकाडो और अंडे खाने सुबह। वो यू विल लाइक दैट टू। तो दादा वेरी एक्साइटेड, मम्मा किसी दिन पोहा बनाएंगे। ये बैठना। ओए होए 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 होए, मम्मा ये सब देख के तो मेरा भी मन कर रहा है सास बनने का। पहले बताओ क्या डालूं। ओए होए होए होए, साइड में डाल दो। ओए होए होए, ऊपर बट साइड में ऐसे ना। ऊपर बट साइड में मम्मा, इससे ज्यादा आप एक बहू का टेस्ट नहीं ले सकते। ऊपर बट साइड में है, उतरे में तो कीरत करछी घेर के पीछे घेर देती कि समझ में नहीं आया, आउट ऑफ सिलेबस हो गया। छोटी सास को भी दे दो। यू विल लव दिस सैलेड। तो मुझे चॉपिंग ही बड़ी जबरदस्त लग रही है। नहीं हाँ मम्मा, वो तो दोपहर से कर रही हो, उस पे क्या होगा ना। क्या तूने क्या नहीं चॉपर में मरे बताओ तो बाहर से एक सांस उससे ज्यादा बाहर जा ही नहीं पा रहे। मम्मा बाहर का है, कॉस्को का बना बना पैकेट में आया है। क्या नहीं सुबह सुबह अलग था, तरी तरी अलग थी, मिलाया है। बैठने का क्या लेगी? बस तेरे डाल, मैं खुद डाल लेता हूँ ऐसे। ये मेरे को वन डे सर्विस नहीं चाहिए। क्या मेरे को चाहिए? नीचे से ऊपर जाके साइड में सर्कल बने। ज्यादा नहीं किया तो ऊपर डाल दे। ये तू ऐसी कहा, ऑप्शन जो थी ऊपर या साइड पे, तो कह रही ऊपर या नीचे। इसे छोले नीचे कैसे फिट करेगी ये बताइयो। पूछा तो सही, पूछती तो मम्मा की बहू बहुत कुछ है। जी कैसी लगी आपको बहू की तैयारी? बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है मैं आपसे वीडियो कॉल कर रहा हूँ। तो अब जितना मैं समझाऊं स्ट्रेचिंग वगैरह से, मैंने डिसाइड किया है कि अगले 6 महीने मैंने मम्मा की स्टैटिका की प्रॉब्लम स्ट्रेचिंग से दूर करनी है। तो मम्मा वो बता रहे हैं कि बताए, मेरे 9th से 10th क्लास का पेपर था, तो मम्मा मेरे को कहते थे क्योंकि स्टैटिका में मुझे फील होता है श्रिलिंग पेन होती है, तो मन करता है मुक्के मारो अपनी टांगों पे, तब जाकर रिलीफ होता है। जगह पे पेन पॉइंट होता रहता है। तो मम्मा की ना मैं वो दबा रहा था टांगे, ठीक है, ऐसे ऐसे प्रेस करी जा रहा। मैं पता नहीं कितना, 1.5-2 घंटे मैंने प्रेस किया है। अगले दिन मेरे पेपर था, मेरे से पेन भी पकड़ा गया, अंगूठा गायब खत्म। जितना जोर लगाई जाए बेचारा करी जा रहा। एक तो एक लड़का पढ़ाई करके नहीं गया, ऊपर से उसका अंगूठा चला गया। वैसे कुछ तो हुआ होगा तू। तो जब मैं इंडिया में था मैं कभी खाना खत्म नहीं कर पाता था, पता नहीं क्यों। ठीक है, आज मम्मा है अपने यार, मेरे से खाना खाया ही नहीं जा रहा, परेशान रहती है। हम किसी पार्टी में हो जाए तब तो मैं हंसी मजाक करके, मम्मा खाता है नहीं अच्छे से वहाँ पे, जैसे हम घर है
किरत भूख लगी है, भूख लगी है, आते सार गएगा। मेरी बीवी हर पार्टी में कंफर्म कर जाती तूने खाना खाया है ना। सही है, हर हर पार्टी में खा ले ना खाना। प्याज जी एक ही बार हुआ था ऐसा, तो उसके बाद तो इतना मारा था इसमें मुझे, उसे हम भूल गए। तभी तेरा नाम क्या रखा मैंने, हॉस्पिटल। तो कीरत जी आपकी सास के लिए मीठा पेश किया जाए। यस स्वीडिश वेलकम होम, तिरामिसु केक है यूं लगे। ओह वेलकम होम, कहते एक दिन में देखिए मैं कितना मीठा खाऊंगी, एक आधी बाइट लेनी है आपने बस। यू शुगर पेशेंट, लव यू, थैंक यू। ये तो आपने बहुत ही छोटा पीस काटा है, ये मैं तुझे टेस्ट करा रही हूं। मेरे को भी टेस्ट कराना है। मीठे के जितने शौक किरत, नो दिस इज नॉट द राइट स्पून फॉर योर सास। बड़ा देता हूँ, बड़ा देता हूँ। आई मैनेज, वेलकम टू योर होम मम्मा, आई लव यू, माई लच्छो, माई पिनी, माई गुगला, माई चुगला, गॉड ब्लेस यू। हर जन्म में मेरी मम्मी बन के रहना। आपके पास आपकी ठुमकी है ना मम्मा, हर जन्म में आप ही मेरी सासू माँ बनना। यस मम्मा, और आप हर जन्म में आपको फियांशु मिले और फिर मैं आपसे अपनी सास को कम से कम दो कॉफी ले, दो कॉफी ले, पहले एक तो फिनिश कर दे। देखो तेरी सास का पता नहीं, आज ही अलाउ कर रहा हूँ मीठे के लिए, कल से तो जिम है। हाँ जिम है, पर शरीर में मीठा नहीं खाऊंगा। मम्मा आपको एक एक्स्ट्रा इसमें पियर्सिंग होगी थी वो एक, ये फियांचो ये नीचे लटक गया था, फिर उसने अपने आप ही पता नहीं दूसरा कैसे क्या हुआ मुझे नहीं पता चला। तो ये होल बंद हो गए हैं, बंद हो गया। एक बाइट मैंने तेरे को खिलाई, एक फियांचो को मैं अपने काउंटेड बाइट जो ले लूंगी। ले फियांचो, डन टिक्का कुत्ता से दे दो, दे दो इतना से। ऐसे यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसको मीठा खिला रहे। कैसा लगा मम्मा हमारा चीकू? बहुत बहुत ही बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा। सीधे सर मम्मा चीकू को प्यार करेंगे ना, मैं क्यों नहीं करेंगे, घर की आइटम है अपनी। जान है, जान जान है मेरा जहान। शुकोस में वो करना था वीडियो कॉल। नहीं नहीं वीडियो तब सो गई होगी, अभी जाग रही है मम्मा, देर ना उधर मम्मा। अब आपको पता लगा, हर रोज में कहते थे तेरा फोन अब दो दिन बाद आया। तो नहीं मम्मा, एक बार हमारी बात हो गई सुबह, एक बार रात को, आपका दिन बदला भी। मुंह में खा रहा हो चिकन हो कुछ हो, और मैं इसको ऐसे कर दूं आवाज तक नहीं निकालेगा कि पीछे हो जाओ। सारे सब्सक्राइबर्स को पहले ये बताओ कि चीकू वीडियोस में कितना बड़ा दिखता है, रियल लाइफ में कितना छोटा है? रियल लाइफ में हाफ है, हाफ फेस उसका इतना सुंदर है, इतना ही प्यार हुआ था नोजी पे। अच्छा नहीं, मैं किससे कर रहा हूँ ना, बस बस दादी है। नो बुत, पहले तो पप्पी भी ले ली दादी जी, आते बट देखो आपको कर रहा है, मेरे को ही मैं इतने मुंह उतरे पास है कि ये नहीं कि गुस्से में आके वो कर दे। ये हमारा जर्मन शेफर्ड मम्मा, बस उगा नहीं है। आज तो मम्मा ने भी हमारी रूटीन देख ली है, बस पिछले दो घंटे से हम बोल रहे चलो सोने चलते, सोने चलते, सोने चलते हैं, और दो बजी मम्मा। टाइम का पता ही नहीं चला मुझे, तो वैसे ही नहीं पता चल रहा है। आप तो और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक लग रहे हो, कैसे लग रहा है? मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा आई लव यू मम्मा। मैं कौन सी बॉटल में पानी ले सकती हूँ? आप कोई भी बॉटल में पानी ले सकते हो, वैसे बॉटल्स यहाँ पे होती हैं। ठीक है, आप टम्बलर में बॉटल में, बट आपको मैं ऐसी एक बॉटल दे देता हूँ जो आपके लिए उठाने के लिए इजी हो, हल्की ये वाली, आप ये ले लो। चलो नहीं नहीं, जो तेरे उसके नहीं, मैं मेरे एक और सेम बॉटल है। हाँ मुझे दे दे चलो। अरे तो इससे ले लो, मैं दूसरी भी देख लेता हूँ। वॉशरूम में चल रही है ट्रेनिंग कि किससे क्या करना है। ऑप्शंस दे रही है ना मम्मा को। ये है बिल्कुल माइल्ड वाला, ऑयली स्किन बट झाग नहीं बनाता ज्यादा। ये माय स्किन इज नॉर्मल, योर स्किन इज नॉर्मल, यस, देन यू कैन यूज दिस जेंटल स्क्रब एज वेल, दैट्स गुड। ये फिर भी ठीक है, इस व्लॉग को करते हैं आज बाय बाय, एंड कर दे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। आवर न्यू मेंबर इज हियर फ्रॉम इंडिया। ये वैसे मेंबर काफी ओल्ड है जिन्होंने हमें धरती पे जन्म दिया है, बट कनाडा में न्यू है। बाय गाइस, हमारी फैमिली कंप्लीट करने के लिए थैंक यू, वेलकम।